गरियाबंद में गुरुवार को सुरक्षा बल और नक्सलियों के बीच में मुठभेड़ हुई है। इस एनकाउंटर में एक महिला नक्सली घायल हो गई। पुलिस अधिकारी ने बताया कि गुरुवार को दोपहर में मैनपुर पुलिस थाना क्षेत्र के तहत सिकासेर बांध के पास एक जंगल में नक्सलियों और सुरक्षा बलों का आमना सामना हो गया। जिला बल की एक टीम ने यहां नक्सल विरोधी अभियान पर निकली थी, तभी पुलिस की मौजूदगी होने पर नक्सलियों ने गोलीबारी शुरू कर दी, जिसके जवाब में सुरक्षा बलों ने भी जवाबी फायरिंग की। गोलीबारी में एक महिला नक्सली घायल हो गई है। सर्चिंग के दौरान घायल अवस्था में महिला नक्सली को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है, फिर उसे इलाज के लिए गरियाबंद हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। महिला नक्सली की बिगड़ी हालत को देखकर सिपाही ने उसे खून दिया, जिसके बाद नक्सली को रायपुर रेफर कर दिया है। प्रारंभिक जांच से पता चला है कि नक्सली सुकमा जिले के सिलगेर गांव की है। महिला नक्सली माओवादियों के 10 नंबर कंपनी में तैनात थी। गरियाबंद से भोलेश मिश्रा की रिपोर्ट। जो है उनके साथ इनकाउंटर हुआ है, जिसमें जो है एक नक्सली जो महिला नक्सली है उसको गोली लगी है और घायल हुई है। उसको अभी लेकर के यहाँ जिला अस्पताल लेके आए हैं और उसको रायपुर रेफर किया गया है। आगे की कार्रवाई इसमें भी की जा रही है। हमारे सभी जवान सुरक्षित हैं, किसी प्रकार से किसी को कोई चोट नहीं आई है। नक्सलियों की संख्या जो है 25 से 30 बताई जा रही है और ये जो है अभी एग्जैक्ट संख्या जो है और थोड़ा सा क्लियर हो पाएगा थोड़ी सी बाद में।